खबर अजमेर से है, जहां सुभाष नगर में बंद होने के बावजूद रेलवे क्रॉसिंग पार करना एक युवक को महंगा पड़ गया। मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची रेलवे सुरक्षा बल व रामगंज थाना पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है। बाद में उसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चुरी में रखवाया गया है। रामगंज की थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुभाष नगर में करीब 8:30 बजे रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद था, इसके बावजूद लोग बेपरवाह होकर आवाजाही कर रहे थे। बंद के दौरान एक युवक रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा तो मालगाड़ी की चपेट में आ गया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे सुरक्षा बल व रामगंज थाना पुलिस दलों ने मौके पर पहुंचकर सबकी शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन नहीं हो सकी। बाद में सबको JLN अस्पताल में रखवाया गया। मृतक की उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच और उसने ब्लैक पैंट और सफेद शर्ट पहनी है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए और उसकी शिनाख्त देर रात सुभाष नगर निवासी प्रेम प्रकाश उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। पुलिस गुरुवार को पोस्टमार्टम कराएगी। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद आवाजाही करने के चलते एक युवक ने जान गंवा दी, लेकिन इस हादसे के बावजूद यहां बंद फाटक से लोगों की आवाजाही देखी गई है। कुछ देर के लिए तो यहां खड़ी ट्रेन के नीचे से गुजरने में भी लोगों ने परहेज नहीं किया। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।